नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, भाजपा के नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला कर सभी को चौंका दिया है। नीतीश कुमार के दो धुर विरोधी, जो नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या नहीं कहा करते थे, बिहार में जंगल राज का आगाज कराने वाले नीतीश कुमार और बिहार में नीतीश कुमार की क्या स्थिति हो गई है, उनके मानसिक दिवालियेपन पर सवाल उठाते थे, कहते थे वे मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, शारीरिक रूप से बीमार हैं। तो अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को, सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के अध्यक्ष और विजय सिन्हा जो अब तक नेता प्रतिपक्ष थे, आप दोनों डिप्टी सीएम बनिए। मतलब बिहार में अब यह बात कंफर्म है कि नीतीश कुमार एनडीए सरकार के मुखिया होंगे, सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम होंगे। देखिए, आपको याद रखना होगा कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांध ली थी और पूरे बिहार की यात्रा कर रहे थे कि यह पगड़ी तब खुलेगी जब नीतीश कुमार को वे कुर्सी से हटा देंगे। लेकिन अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि दोनों नेताओं को, सम्राट चौधरी को और विजय कुमार सिन्हा को, पूरे बिहार में नीतीश कुमार का यशोगान करना होगा, क्योंकि वे अब नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम हैं। तो बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। और देखिए, पिछली बार 2020 में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बनाए गए थे, इस बार दोनों को यह मौका नहीं मिला है। कहीं जाने वाली बातें थी कि रेणु देवी तो निश्चित रूप से बनेगी, लेकिन रेणु देवी इस प्रतियोगिता में पिछड़ गईं। देखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा साथ साथ नीतीश कुमार के राजभवन भी गए थे, समर्थन पत्र सौंपा जाना था, विनोद तावड़े भी थे पार्टी के महामंत्री। तो अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के सुर बिल्कुल बदले हुए दिखाई पड़ेंगे। वे नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का प्रतीक बताएंगे और विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि बिहार में सुशासन स्थापित करना है, जंगल राज को समाप्त करना है। और देखिए, सम्राट चौधरी ने भी बातें कही, लेकिन लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जो अब तक कहते थे ये दोनों नेता नीतीश कुमार के बारे में, उसका क्या। लेकिन राजनीति में कौन कब किसके लिए पलटता है यह सभी जानते हैं, और बिहार में फिर से पलटासन हुआ है और बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। एनडीए की सरकार में अब सवाल पैदा होगा कि नीतीश कुमार किसे किसे मंत्री बनाते हैं जेडीयू से, क्या उन तमाम मंत्रियों को जगह मिलेगी जो महागठबंधन की सरकार में शामिल थे, या फिर इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है, यह बड़ा सवाल अब भी है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन। जब डिप्टी सीएम की बात हो रही थी तो सुशील कुमार मोदी के नाम की चर्चा भी बहुत तेज थी कि उन्हें जगह मिल सकती है, उन्हें यह स्थान मिल सकता है, लेकिन सुशील कुमार मोदी नहीं। सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं, यह इस बात का भी संकेत है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को भले ही नेता मान लिया है, लेकिन बीजेपी के कोटे से कौन कौन क्या होगा यह बीजेपी ने स्वयं तय किया है। नीतीश कुमार की शर्त नहीं मानी गई है कि आपकी सुविधा के हिसाब से हम अपने लोगों को आपके कैबिनेट में या आपके साथ शामिल करें। तो यह भी देखना होगा कि ट्यूनिंग कैसी होती है विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि दोनों बहुत ही आक्रामक रहे हैं। और जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब हमने बिहार विधानसभा के भीतर भी लड़ते हुए देखा था नीतीश कुमार को, और किससे लड़ते हुए देखा था, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन विजय कुमार सिन्हा से। किस तरीके से नीतीश कुमार गर्म हुए थे, हमने वो दृश्य भी देखे थे जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में ही भिड़ंत हो गई थी। तो अब दोनों साथी बन गए हैं, दोनों यशोगान करेंगे, पूरे बिहार में यह बताएंगे कि देखिए, नीतीश कुमार ही असली सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार ही असली बिहार के भाग्य विधाता हैं। तो अब टोन बदलेगा। इधर इस बीच आपको खबर मिल ही रही है कि तेजस्वी यादव ने अपनी सरकारी गाड़ियां, जितनी गाड़ियां उनके पास थी वो सारे वापस कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने, जो सरकार में परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और फिर से सरकार बनाने का दावा पेश किया, इसके बाद कोई भी बयान अब तक नहीं दिया है। वे अपने नेताओं से और अपने पिता लालू यादव से विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब बिहार की स्थिति परिस्थिति पर कैसे ध्यान रखा जाएगा, कैसे लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी। देखिए, उधर पूर्णिया में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, कांग्रेस के तमाम नेताओं को वहां बुलाया गया है, अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत
तहत कल बिहार में प्रवेश करने वाले हैं और पूर्णिया में उनकी यात्रा भी होनी है। देखिए तेजस्वी यादव लालू यादव के सामने दोहरी समस्या, क्या दोहरी समस्या है कि एक ओर सरकार चली गई और दूसरी ओर ईडी की मार, ईडी के सामने भी पेश होना है, नौकरी के बदले जमीन के बदले नौकरी। यह मामला जो है अब तेज पकड़ेगा, लोग मान रहे हैं कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वह लालू फैमिली के खिलाफ एक्शन मोड में आ जाएगी, तो यह चुनौती बिहार की चुनौती। और यह भी देखा जाना है कि बीजेपी ने यह तो तय कर लिया कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी होंगे, लेकिन अब मंत्रिपरिषद में किन्हें किन्हें शामिल किया जाएगा, क्या तारकिशोर प्रसाद को जगह मिलेगी, क्या रेणु देवी को जगह मिलेगी, क्या शाहनवाज हुसैन फिर से बिहार के उद्योग मंत्री बनाए जाएंगे। शाहनवाज हुसैन जब 2020 में उद्योग मंत्री बनाए गए थे तो देखिए बिहार में उद्योग लगने शुरू हो गए थे और एक संदेश आ गया था कि बिहार में उद्योग का माहौल बन रहा है, बड़े बड़े निवेशक बिहार आना शुरू कर दिए थे। तो शाहनवाज हुसैन क्या बिहार के फिर से उद्योग मंत्री बनने जा रहे हैं, यह भी देखने की। और लोकसभा चुनाव की तैयारी, देखिए अब सवाल यह पैदा होगा कि नीतीश कुमार की सरकार तो बन गई, लेकिन असली सवाल यह कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी में कितनी कितनी सीटों पर समझौता हुआ, मतलब 40 सीटों में से कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और कितने सीटों पर जेडीयू लड़ेगा। देखिए 2019 में 17 और 16 का बंटवारा हुआ था, चिराग पासवान को लेकर जेपी नड्डा पटना पहुंचने वाले हैं। चिराग पासवान अब भी थोड़े मायूस दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब नीतीश कुमार आ गए हैं तो सीटों की संख्या कम हो सकती है और इसका प्रभाव उन्हें झेलना पड़ सकता है। देखिए चिराग पासवान बिल्कुल अरे हैं कि उन्हें 6 सीटें जैसा कि 2019 में प्राप्त हुआ था वह उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन यह संभव हो पाएगा पहले से भी संकटपूर्ण लग रहा था क्योंकि लोजपा दो धरों में बट गई, चाचा पशुपति पारस के साथ 5 सांसद चले गए, खुद पशुपति पारस भी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जो वोटों का आधार है, जो वोटों की जमीन है वह चिराग पासवान के पास है। इसलिए देखने की बात होगी कि अब बीजेपी नेतृत्व कैसे सारे सहयोगियों को एडजस्ट करता है। उपेंद्र कुशवाहा उनकी चिंता भी बढ़ेगी क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में 3 सीटें मिल सकती है, लेकिन अब यह कतई संभव होता नहीं दिख रहा है, उन्हें 1 सीट का नुकसान कम से कम तो उठाना ही पड़ेगा, यह बात उनकी पार्टी के नेता भी समझ रहे हैं। तो बिहार की सियासत अभी तेज होगी, आरजेडी कैसे संघर्ष का रास्ता अख्तियार करता है, क्या क्या करता है, किस तरीके से जमीन पर उतरते हैं लोग, और अब इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा कैसे होता है यह भी देखना होगा क्योंकि जेडीयू तो चला गया, अब सीटें हैं तो कांग्रेस जो 8 से 10 सीटों की मांग कर रही थी उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं, और वामपंथी पार्टियां खासकर माले जो तमाम सीटों का दावा कर रही थी कि हमें पाटलिपुत्रा भी दीजिए, हमें जहानाबाद भी दीजिए, हमें आरा भी दीजिए, हमें सिवान भी दीजिए, ठीक इसी प्रकार से सीपीआई जो बेगूसराय मधुबनी ऐसी सीटों की मांग कर रही थी, उनके बीच क्या एडजस्टमेंट होता है, इंडिया ब्लॉक में किस तरीके से सीटों की शेयरिंग की बातचीत होती है, इंडिया ब्लॉक का स्वरूप क्या होता है, यह सब देखना होगा। और इन सारी खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।